तो ये रिपोर्ट वहाँ शंभू बॉर्डर से आपने अभी सुनी, न्यूज 18 के माध्यम से। न्यूज 18 के कई सारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर तैनात हैं, आपको पल पल की खबर ला रहे हैं। वहाँ पर कई लोगों को आप मीडिया से बात करते हुए देख सकते हैं, लेकिन खबर ये है कि शंभू बॉर्डर पर पंजाब की तरफ ही इनको रोक लिया गया है, इनको हरियाणा में नहीं घुसने दिया जा रहा है, अनुमति नहीं दी जा रही है। पंजाब प्रशासन क्यों साथ नहीं दे रहा है, ये प्रश्न हरियाणा की तरफ से पूछा गया है कि पंजाब प्रशासन ने इन प्रदर्शनकारियों को पंजाब में रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, इन्हें आगे क्यों बढ़ने दिया जा रहा है इस बल के साथ और इस संख्या के साथ। वही आंसू गैस छोड़े जाने की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो ड्रोन से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। अलग अलग 6 लेवल की बैरिकेडिंग की गई है, तो एक बेसिक लेवल की बैरिकेडिंग तोड़कर अगर आप आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं तो वहां से काउंटर एक्शन आंसू गैस के जरिए हो रहा है, लाउडस्पीकर के जरिए हो रहा है, ड्रोन्स की तरह ड्रोन्स के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। और बताया जा रहा है कि इन ड्रोन्स में कैमरास भी हैं जो वीडियो फिल्म ले रहे हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा एजेंसी भी पूरी तरह से सतर्क है, पुलिस भी आंदोलनकारियों पर ड्रोन से नजर रख रही है। आंदोलन का फायदा उठाकर अगर कोई उपद्रवी तत्व लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती खड़ी कर दे तो ये सीधा साक्ष्य वहां इस ड्रोन के जरिए उनके कैमरास में कैद हो जाएगा और एक एक व्यक्ति की शिनाख्त हो जाएगी। पुलिस ड्रोन से पूरे एरिए पर नजर रख रही है और भीड़ को तितर बितर करने के लिए ड्रोन से आंसू गैस के गोले भी गिरा रही है। तो आइए इन तस्वीरों को देखते हैं जरा गौर से कि कैसे ड्रोन ऊपर से निगरानी भी कर रहे हैं। ये ड्रोन्स के शॉट्स आपके सामने आएंगे और जैसे ही भीड़ उपद्रवी हो रहा है, अगर कहीं वहां पर उपद्रवी तत्व हैं तो ऊपर ड्रोन से, ये देखिए इन्हीं ड्रोन से टेयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए ये टेयर गैस का गोला गिरा, ये दूसरा गोला गिरा, तो ऐसे 2-3 गोले गिराकर ये ड्रोन हट जाता है। लेकिन इन ड्रोन्स पर कैमरा भी लगे, अगर देखे तो ये क्वाडकॉप्टर्स हैं और इनमें काफी सारा 3 या 4 आंसू गैस के गोले इसमें अंदर, ये देखे इसके अंदर, इस खाने के अंदर है और यहीं से ये गिर रहे हैं, यहीं से इसको ड्रॉप किया जा रहा है। लेकिन ये ड्रोन्स कैमरा भी इनमें लगे हुए हैं और कैमरे के जरिए ये फिल्मिंग भी कर रहे हैं। तो 2 काम इन ड्रोन्स का है, एक निगरानी रखना और दूसरा जहां जहां उपद्रवी तत्व है और अगर भीड़ कुछ ज्यादा उग्र हो रही है तो उसको भी तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ना। फिर ये ड्रोन वापस जाते हैं और फिर वापस उड़ जाते हैं। तो सिर्फ ये एकमात्र ड्रोन नहीं है, ये एक ड्रोन है जो कि न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुआ है। ऐसे कई सारे ड्रोन इस पूरी भीड़, इस संख्या बल पर निगरानी रखे हुए हैं। इनको कौन उकसा रहा है, इनमें से उपद्रवी तत्व कौन है, कौन वहां पर फसाद करने की कोशिश कर सकता है या लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, उन सब पर नजर रखी जा रही। और अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की बात हो रही, जहां जितना डिजायर्ड एक्शन है, जितनी आवश्यकता है उतना ही एक्शन लिया जा रहा है। चलिए दिल्ली से हवा, दिल्ली से लाइव तस्वीर है, यहां पर भी ड्रोन्स हैं, दिल्ली में भी हर जगह तैनात है ड्रोन्स। रीमा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ने की कोशिश कर रही है, रीमा बताइए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं सिंघू बॉर्डर को दिखाती हूं जो पिछले आंदोलन के दौरान भी सेंटर पॉइंट था, यानी किसानों की एक आवाज से पूरे बॉर्डर पे, मतलब जहां जहां पे किसान बैठे थे हलचल मच जाती थी। उसी घटना से सबक लेते हुए आप देखिए ड्रोन से निगरानी तो रखी जा रही है, साथ ही साथ पुलिस बल की तैनाती। ये जो आपको दूसरी टीमें उधर दिख रही है वो टीमें आपात स्थिति से निपटना है, मतलब वो पुलिस के ड्रेस में नहीं है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि वो पुलिस नहीं है, वो पुलिस है, वो स्पेशल टीमें हैं जो और भी बेहतर तरीके से, यानी आम लोगों की भीड़ में वो टीमें जाएगी और किसी को पता भी नहीं होगा कि वो किस लेवल का ऑब्जर्वेशन उनका चल रहा है। तो ये सारी टीमें तैनात है। मैं आनंद आपको दूसरी ओर की भी तस्वीर दिखाती हूँ। सिंघू बॉर्डर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, जब मैं सुबह आई थी तो इजिली यहाँ तक पहुंच गई थी, लेकिन शाम होते होते हमको भी नोएडा जाने में उतनी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि हम दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बता भी रहे हैं कि आप कहीं से कहीं मूवमेंट करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन तैयारियां कैसी है मैं जरा एक और तस्वीर दिखाती हूँ। आनंद यहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है, अभी अभी इसे इस बैरिकेड को पक्का करने की कोशिश की गई है, मतलब सीमेंटेड करने की कोशिश की गई है। ये देखिए पहले से ब्लॉक से रखे गए थे, लेकिन कुछ ही देर पहले इसे सीमेंटेड करने की कोशिश और पुलिस यहाँ पे आके खड़ी हो रही है। अभी सीनियर अधिकारी एक आए हैं और वो मॉक ड्रिल का पूरा प्रोसेस किया जा रहा है कि अगर वहां से बैरिकेड तोड़कर अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो उस आपात स्थिति में क्या करना है, उसके लिए सीनियर अधिकारी इन सभी का मॉक ड्रिल अभी होना है। और ये जो आंसू गैस के गोले कैसे छोड़े जाते हैं जिसका जिक्र आप शंभू बॉर्डर के लिए कर भी रहे थे, वो सारे इक्विपमेंट्स इनके पास भी तैनात है, मतलब हर आपदा से निपटने के लिए
में तैयारियां युद्ध स्तर पे की जा रही है यहाँ पे कि अगर उनका मूवमेंट यहाँ तक पहुंच जाता है, हरियाणा बॉर्डर तक हो जाता है किसानों का, और अगर उग्र कोई होता है तो आपात स्थिति से निपटने के लिए क्या हो सकता है, वो तमाम तैयारियां हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दूसरे तो पूरी तरह तैयारी है। रीमा, मैं फिर आपकी ओर रुख करता हूँ। वही किसानों के आंदोलन को केंद्र सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है, किसानों से सरकार लगातार बातचीत कर रही है, पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उनकी मंशा नहीं है कि सुने। ज्यादातर मांगों को सरकार ने मान भी लिया है, लेकिन एमएसपी से जुड़े कानून को लेकर सरकार अभी और बातचीत करना चाहती है। खुद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा किसानों से सीधे बात कर रहे हैं, आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा है। सर, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, कई साल पहले भी इसी तरीके का आंदोलन था, अचानक आंदोलन एक बार फिर शुरू हुआ है, सड़कों पर किसान है, इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, किसानों के हितों की जहां तक बात है, यह सरकार पूर्ण रूप से ओपन है कि हम उसका समाधान निकाल सकते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। पर यदि राजनीति से प्रेरित होकर के और अपने महत्वाकांक्षा को लेकर के कुछ राजनीतिक दल यदि अपने हितों की रक्षा के लिए इसका उपयोग करेगा तो किसानों का अहित होगा, और हम किसानों का अहित नहीं चाहते। कौन से राजनीतिक दल इसके पीछे आप मानते हैं? अभी तो कांग्रेस जैसे दल जिसने अपने निकम्मे होने का कई उदाहरण प्रस्तुत किया है, और उसके कार्यकाल में किसानों के अहित हुए हैं, किसानों का नुकसान हुआ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में सबके जानकारी में है कि आज जहां कांग्रेस के कार्यकाल में 27,000 करोड़ का बजट था, 1,24,000 करोड़ का बजट हो गया, किसानों पर के साथ सीधे उनके अकाउंट तक हम राशि पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, और सभी चीजों में किसान प्रोत्साहित होकर के उत्पादन बढ़ाया। हम किसानों पर गर्व करते हैं इस बात को लेकर के पिछले 10 वर्षों में जो प्रोत्साहन हमने दिया उसके वजह से किसानों का उत्पादन बढ़ा और MSP 2.5 गुना MSP पर खरीद हुई। सर, ग्राउंड लेवल पर आपने रिपोर्ट लिया होगा, किस तरीके की रिपोर्ट आ रही है, क्या माहौल को भी बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है? कुछ इस तरह के लोगों के बारे में जानकारी मिल रही है जो इसके बीच में घुस करके हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे, तो मैं आम किसान से निवेदन करता हूं कि इनके ऐसे मामले से बचें। धन्यवाद धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, News 18 India। तो रवि सिंह की बात आपने सुनी, जब वो अर्जुन मुंडा जी से बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बीच में कुछ ऐसे अलगाववादी तत्व आ सकते हैं जो जानबूझकर हिंसा करने की कोशिश करें, उपद्रव करने की कोशिश करें, उन पर निगरानी बनाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ प्रियंका, रीमा और जावेद भी जुड़े हैं। जावेद, आप इस वक्त कहाँ पर हैं? प्रियंका तो ट्रकों के साथ में खड़ी है, वहाँ पर एक और लेवल की बैरिकेडिंग दिख रही है आपके पीछे, जावेद काफ़ी सारे सैनिक दिख रहे हैं, आप कहाँ पर हैं? मैं आनंद, मेरी मौजूदगी सिंघू बॉर्डर पर है। आप RAF की टुकड़ी देख सकते हैं, बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट सिंघू बॉर्डर पर किया गया है, लेकिन एक नई तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कितनी बारीकी से पूरी तैयारियां की गई हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये टायर किलर कील जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं। हम एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर बॉर्डर पर सुरक्षा है वो बरती जा रही है। इससे पहले हमने दिखाया था कि एक ऑयल का इस्तेमाल किया जाएगा अगर निहंग सिख जो कि पिछली बार भी प्रोटेस्ट में शामिल थे, इस बार यहाँ पर आते हैं वो, तो ये आप कील देख सकते हैं, ये बॉर्डर पर मौजूद हैं। लेकिन अब मैं आपको दूसरी तस्वीर आनंद दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हमें सिंघू बॉर्डर का महत्व समझना होगा और पिछली बार ये किस तरह से महत्वपूर्ण था वो आप देखिए। यहाँ पर संख्या देखिए RAF के जवानों कि तमाम प्रोटेक्टिव गियर्स के साथ वो मौजूद हैं, चाहे वो रेस्पिरेटर हो या बॉडी गियर हो, वो तमाम चीजें यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीर देखिए, यहां पर आप देखेंगे पक्के बैरिकेड्स यहां पर बनाए गए हैं, उसमें कंक्रीट डाला गया है, आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये एक लेयर नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस ने, और उसके ऊपर कटीले तार लगाए हैं, आप ये तस्वीर देख लीजिए। और ये यहीं तक ही सीमित नहीं है, इससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो फिर से एक वज्र वाहन RAF का लगाया गया है, और वहां पर भी RAF की टुकड़ी मौजूद है। जावेद, मैं चाहूंगा
आप अगर देखेंगे तो वहां पर आप कंटेनर देखेंगे, तो ये व्यवस्था यहां पर की गई है सिंघू बॉर्डर पर। पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ जावेद, मैं चाहूंगा अगर आप में से किसी के पास भी कोई सीनियर ऑफिसर अगर बात करने को तैयार हो तो इस बात का भी पावा दे कि किसान जो है बहुत सारी जेसीबीज लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये जेसीबीज इन्हीं तरह की बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए, कीलों को उखाड़ने के लिए, और ये जो पक्के बैरिकेड लगे हैं इसके थ्रू पंच करके आने की मंशा से वो जेसीबीज लेकर आए हैं। प्रियंका, आप उन कंटेनर्स के पास खड़ी हैं, कहां पर हैं आप? देखिए, मैं टीकरी बॉर्डर पे हूँ, ये दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है। दूसरा मेन पॉइंट पिछले साल के आंदोलन की अगर हम बात करें तो फोर्सेस तो आप देख ही रहे हैं, ये आरएएफ की तैनाती है। ये पीछे जो आपको ट्रक्स लग रहे हैं ये पूरे कंटेनर है, जहां तक आपकी नजर जाएगी तो इस पूरी सड़क में ये बड़े बड़े कंटेनर्स यहां पर इसीलिए रखे गए हैं ताकि इनसे पूरी तरीके से रोड को ब्लॉक किया जा सके। नकुल को मैं बोलूंगी थोड़ा सा आगे आए, तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि यहीं पर तकरीबन 10 बैरिकेड्स, जो 10 लेवल के बैरिकेडिंग है वो है। तो ये आपको कटीली तारें नजर आ रही जो आपको हर बॉर्डर में दिख रही है। इसके बाद आप एक ट्रोली में भी यहां पर देखेंगे, ट्रोली से रोका गया है, और ये इस बार की सबसे खास तस्वीर जहां पर कंटेनर्स को एक के ऊपर एक रख दिया गया है। तो जिस तरीके की तैयारी किसानों की तरफ से इस बार एडवांस दिख रही है, वैसे ही दिल्ली पुलिस की तैयारियां भी हैं। और ये कंटेनर वैसे ही लोहे के हैं लेकिन इनमें पूरा मिट्टी, सीमेंट, पत्थर भरे गए हैं ताकि बिल्कुल भी ये यहां से मूव ना हो। इसके बाद आप फिर से बैरिकेड देखेंगे सीमेंट की। प्रियंका, मैं आपकी तरफ से हट रहा हूं इस प्रोटेस्ट पर, प्रदर्शन पर।